तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल GS Lamp Education में। जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि अपने जो लेक्चर है, अभी जो सी सेट का जो लेक्चर है वो कंटिन्यूसली अपने पास क्या है, अभी टोटल अभी तक मैंने 4 अपलोड कर दिया है, जिसमें आप लोग को पूरी तरीके से जो UPSC से रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर के जो सी सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर वो रिविजन हो रहा है। दूसरा क्या है ना, प्रैक्टिस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होता है वो मैं वहाँ पर आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। तीसरी चीज़ आपने उसमें देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक टॉपिक आपको ऑलवेज क्लियर कर रहा हूँ, टॉपिक का मैं समरी दे रहा हूँ। मुझे पता है कि आप बोलोगे सर पूरा एक्सप्लेनेशन, तो ठीक है अगर वो भी चाहे तो आप वो भी बता सकते हो, बट अभी टॉपिक का समरी के साथ मैं क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा करवा रहा हूँ क्योंकि अभी आपको पता है पेपर्स वगैरह बहुत आस पास आ चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या है ना अभी इस चीज़ की रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये जो भी अभी तक जिसने भी टोटल 4 लेक्चर देखा हुआ उसे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो अभी आज का जो अपना है ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें अभी हम लोग क्या ना आगे जो अभी 4th लेक्चर में हमने प्रॉफिट लॉस के रिगार्डिंग कुछ बात किया था, तो प्रॉफिट लॉस के रिगार्डिंग मैंने आपको वहाँ पे पूरी तरीके से एक समरी दिया हुआ था। समरी इन द सेंस पूरा एक लेक्चर ही मैं वहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ टॉपिक, जिसके बाद मैं क्या करूँगा उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या ना आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था क्या प्रॉफिट लॉस जो अपना जो टॉपिक चल रहा था क्या चल रहा था, वो चल रहा था प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था डिस्काउंट नॉट डिस्टेंस, तो जिसमें मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि सीपी व्हाट डू मीन बाय सीपी, मैंने ये चीज़ आपको कंप्लीट बताया था कि क्या होता है, हाउ वी नो दैट कि यह प्रॉफिट है या लॉस है, या उसके बाद हमने क्या ना लॉस के रिगार्डिंग पर कुछ बात किए हुए थे। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने क्या किया था, कुछ क्वेश्चंस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बोल सकते हैं, या उसको ये बोल दीजिए फॉर्मूला बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व किए हुए थे। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जैसे मैंने आपको कुछ बताया था, क्या बताया था, अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं जो फॉर्मूला बताया था क्या बताया था, प्रॉफिट का मैंने एक फॉर्मूला आपको वहाँ पे बताया हुआ था। जब मैंने आपको प्रॉफिट पढ़ा रहा था या लॉस पढ़ा रहा था या कुछ SP या CP कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस जो आपको मैं समझा रहा था, मैंने आपको क्या बताया कि प्रॉफिट का अगर कोई फॉर्मूला आपसे पूछे तो क्या होगा, एक डायरेक्ट क्या हो सकता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस, है ना, पर इनटू 100। अब देखो यहाँ से मैं सारा फॉर्मूला आपको निकाल सकता हूँ ये इसके रिगार्डिंग, अगर मान लो प्रॉफिट हम लोग उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट का मतलब क्या था, कैसे मैंने प्रॉफिट को डिफाइन किया हुआ था कि अगर इन केस जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है ना अगर ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो उसके बाद हमें क्या होगा वो बेनिफिट होगा। तो हमें अगर मान लो प्रॉफिट के बिहा पे हम यहाँ पे SP - CP भी लिख देते तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, SP - CP अपॉन में CP × 100, तो ये भी क्या हो गया एक फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव हो गया। ठीक है, ऐसे लॉस में भी हम लोग कर सकते हैं, तो लॉस में थोड़ा सा क्या चेंज हो जाएगा, CP पहले आ जाएगा और SP बाद में आ जाएगा। तो जब हम ये सारा का सारा चीज़ वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर वहाँ पे आपको समझाया था, समझाया इन द सेंस क्या कि सारा फॉर्मूला हो गया या जो भी क्वेश्चंस वगैरह के रिगार्डिंग है वो सब कुछ मैंने आपको वहाँ पे समझाया था। और ये भी आपको मैंने बताया था, क्या बताया कि प्रॉफिट हो या लॉस, हम ऑलवेज जो बेस अगर मान लो एक नोट याद रख लो, अगर मान लो प्रॉफिट हो या लॉस हो, दो चीज़ याद रखना, उसको हम ऑलवेज कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस, बताया था ना ये चीज़ आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और अगर मान लो कि हम उसके बाद अनलेस अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर हम लोग माइनस प्लस का वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू देन, एक क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पे बताया था, क्या बताया था, चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी मैं आपको इसके इसलिए मैंने बोला था कि मैं क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा यहीं पे कराऊंगा प्रॉफिट लॉस के रिगार्डिंग। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन अभी छोटा छोटा सा, तो देखो क्वेश्चन क्या बोला कि बोला जा रहा है ऑन सेलिंग ऑफ, मतलब सेलिंग बोला जा रहा है, SP बोला गया किसका, 144 बाईसाइकिल का, याद रखना। ठीक है, बाई साइकिल बोला जा रहा है ऑन सेलिंग ऑफ 144 बाईसाइकिल, जॉन जो किसी एक नाम था जॉन, दे हैज लॉस्ट लॉस्ट द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बाईसाइकिल, अगर जैसे उसने 144 बाईसाइकिल बेचा तो वो उसको लॉस कितने का होगा, 6 बाईसाइकिल का लॉस क्या होगा, लॉस इक्वल टू कितना हो गया 6 बाईसाइकिल, आपको समझना। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका लॉस परसेंटेज कितना होगा, तो मैंने आपको सबसे सिंपल बताया था, सबसे पहले जैसे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो अगर परसेंटेज में निकालें तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। जब मैंने कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकाला तो कॉस्ट प्राइस में क्या होगा, आप सोच के दो, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होगा, SP ये होगा ना, SP या मान लो कि आप प्लस, हाँ SP प्लस लॉस हो सकता है ना, ये पहला। या अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस की बात हम करेंगे तो क्या होगा,
चल क्यों रहा है यहाँ पे, सी पी माइनस लॉस, सी पी माइनस सॉरी एस पी, है ना। तो देखो मैं इसलिए ये चीज़ आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाओगे तो आपको बहुत ही सिंपल यहाँ पे समझ आ जाएगा। देखो जब वो क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पे बताया, तो मैंने क्या बताया कि जब इस कॉस्ट ऑफ, अगर मान लो हम सी पी लिखते, ठीक है, तो सी पी कितने साइकिल का, सी पी अगर मान लो कि 144 साइकिल को लेते हैं, ठीक है, और उसको अगर हमने बेचा, अगर एस पी ऑफ 144 साइकिल जब मैंने बेच दिया 144 साइकिल, तो लॉस कितने का हुआ हमें, लॉस हो गया लॉस ऑफ 6 बाई साइकिल, है ना, लॉस ऑफ 6 बाई साइकिल। ये सारा चीज़ आपने देखा है, ये सारा का सारा क्या ना क्वेश्चन में ही दिया हुआ, और आपसे सिर्फ इसका परसेंटेज पूछ रहा है। तो अब देखो जब हम ये चीज़ याद रखें, तो कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेते, तो कॉस्ट प्राइस अभी मैंने बताया क्या, लॉस प्लस एस पी, अगर मान लो 6 बाई साइकिल लॉस हो रहा है तो हम ऐड कर देते हैं अभी मान लो, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, अगर मैं कॉस्ट प्राइस 144 बाई साइकिल का हम बता दें, ये हमारे पास कितना हो गया 150, एस पी ऑफ 150 बाई साइकिल, है ना। बस अब इसके बाद फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला मैंने आपको बताया, क्या बताया, लॉस इक्वल टू क्या बताया था, एस पी माइनस सी पी अपॉन में सी पी इंटू 100। एस पी माइनस सी पी सॉरी हाँ तो क्या हो गया, एस पी माइनस सी पी अपॉन में एस पी इंटू 100, क्योंकि एस पी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमको लॉस निकालना था, तो यहाँ पे कितना 150 माइनस 144 अपॉन में 150 इंटू 100, यहाँ से परसेंटेज आप निकाल सकते हो, तो परसेंटेज क्या होगा, 6 अपॉन में 150 इंटू 100, कैंसिल कैंसिल 3, ये हो गया 2, ये कैंसिल 2, कितना परसेंटेज होगा, 4 परसेंटेज का यहाँ पे लॉस हो गया उसको, ठीक है। तो देखो मैं इसी के रिगार्डिंग सारा चीज़ मैंने आपको वहाँ पे समझाया हुआ था, ये क्वेश्चन आई थिंक 2013 में जो मैंने अभी आपको बताया, ये 2013 यूपीएससी में पूछा गया ऑलरेडी। तो अगर आपको यहाँ पे लगे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो मैं इसलिए ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि कुछ फॉर्मूला बेस्ड में क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करो, जिससे आपको क्या ना बेनिफिट हो सके, वरना क्या ना आप पढ़ भी लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे मैंने कुछ फॉर्मूला आपको समझाया था, फॉर्मूला जैसे मतलब मैंने एक फॉर्मूला आपको ये भी समझाया हुआ था, आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि मतलब जब मान लो कि अगर हम मैंने एक फॉर्मूला आपको ये समझाया था, अगर मान लो सेलिंग प्राइस, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने बोला था ना कि जब एसपी हो किसी भी आर्टिकल का, ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस अगर किसी भी आर्टिकल का वो कॉस्ट प्राइस के आर्टिकल के सी कॉस्ट प्राइस के बराबर हो, या मान लो जैसे सेलिंग प्राइस ऑफ किसी भी एक आर्टिकल का वो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी का दोनों का बराबर है, तो क्या होगा, उस समय में अगर आपसे कोई गेन या लॉस कुछ भी पूछे, मान लो गेन पूछा या कुछ भी, गेन या लॉस, है ना, तो उस समय क्या होगा, मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बताया था क्या, बी माइनस ए अपॉन में ए इंटू 100, ये फॉर्मूला मैंने बताया। इसी बेसिस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी समझाया था, क्वेश्चन मैंने क्या समझाया था कि आपको क्या बोला था, अगर मान लो लेटेस्ट सपोज एक क्वेश्चन है कि एस पी ऑफ, अगर मान लो मैं बोल देता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स, 24 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल मान के चलो, है ना। अब आपको सीधा पूछ देगा कि अच्छा चलो भैया ये चीज़ आपको पता चल गया, तो ये यूपीएससी के ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। स्टेट पीएससी में तो बहुत आसानी से आप निकाल दो, जब अगर आपने इस लेवल के क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए तो क्या हो गया, एस पी एफ अगर 24 आर्टिकल्स का दिया हुआ तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल का, तो आपसे सीधा से गेन और लॉस पूछा जा रहा है। मैंने आपको सारा चीज़ बताया था, अगर मान लो कि क्या कॉस्ट प्राइस कम है इस पे और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो हम क्या किसकी तरफ प्रेफर करेंगे, लॉस की तरफ प्रेफर करेंगे। लॉस की तरफ अगर हम प्रेफर करते तो क्या फॉर्मूला मैंने लिखा था, बी माइनस ए अपॉन में ए इंटू 100, है ना, ये लिखा हुआ था। तो बी मेरे पास कितना, 24 मैंने लिख दिया, 24 ए कितना मान लो 20, मानो क्या है ही 20 अपॉन में 20 इंटू 100। अब जो भी यहां से आप कट करके आएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 4 अपॉन में 20 इंटू 100, आंसर ये हो गया आपको 20%, है ना, आंसर क्या होगा यहाँ पे 20%। तो ये फॉर्मूला जब मैंने आपको समझाया तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताया हुआ था कि ऐसा क्वेश्चंस आपको दिया जा सकता है और देते भी है, जिससे अभी मैंने पहले का जो क्वेश्चन आपको समझाया तो उससे आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ आया हुआ, ठीक है। अब हम दूसरे फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, एक दो फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे आपको सारा समझा के उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि देखो अभी मैं पहले क्या कर रहा हूँ, आर्टिकल जो मतलब प्राइस प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के सारे फॉर्मूला उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करवा के फिर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन यहीं पर स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। ये मत सोचना कि सर अरे इतना जल्दी 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 कुछ भी नहीं, आप देखो कितना सिंपल सिंपल। मान लो एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ भी मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है,
फॉर्मूला का सबसे बड़ा सिद्धांत यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर मान लो कॉस्ट प्राइस, अब पहले अभी एक हम सिचुएशन समझते हैं, कॉस्ट प्राइस अगर मान लो किसी भी आर्टिकल का, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, ए आर्टिकल, अगर मान लो एक आर्टिकल है बोला जा रहा है इज बी सपोज करना, ठीक है, एंड अगर मान लो इसी का सेलिंग प्राइस दिया हो, सेलिंग प्राइस ऑफ सेम आर्टिकल या सेम सेलिंग प्राइस ऑफ मान लो बी आर्टिकल, बी आर्टिकल का क्या हो गया ए, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि अगर मान लो कि उसका नेट आपसे पूछा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, अगर इन केस में मान लो कि सिचुएशन रिवर्स दिया हुआ तो आपको क्या करना है, अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपसे गेन और लॉस पूछा जाए तो देखो फॉर्मूला वही रहेगा, गेन और लॉस का अगर हम फॉर्मूला लिखते तो क्या होगा, गेन और लॉस का परसेंटेज का अगर हम फॉर्मूला लिखते तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इंटू 100। देखो मैं अभी इसको समझाऊंगा, इन केस में अगर मान लो यहाँ पे एक चीज़ कंडीशन, दो चीज़ यहाँ पे लिखा रहा है क्या, अगर ए ग्रेटर है बी से, पहला कंडीशन ये क्या होगा, गेन होगा, ये प्रीवियस कंडीशन में भी था बट मैं लिखना भूल गया था, मैंने इससे पहले जो लेक्चर 4 आपको समझाया है उसमें मैंने ये चीज़ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बी अगर ग्रेटर देन है ए से तो क्या होगा, लॉस होगा, एनी प्रॉब्लम, आई थिंक नहीं होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग अगर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ क्या कि अगर मान लो कॉस्ट प्राइस, क्वेश्चन देगा ना थोड़ा सा हटा के, अगर बोला जा रहा है कॉस्ट प्राइस अगर दिया हुआ क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ अगर 10 आर्टिकल का यहाँ पे बोला जा रहा है, बोला क्या जा रहा है कि वो 5 रुपया, ठीक है, और फिर बोला जा रहा है कि वही अगर इसमें फिर देखिए सेलिंग प्राइस अगर मान लो 5 आर्टिकल का वो कितना है, 10 रुपये। तो अब आपको सीधा से यहाँ पे पूछा जाएगा कि इसका क्या नेट लॉस या गेन प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या होगा, आपको ये बताना है। तो अभी हम देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखने से पहले हमको क्या ना इस जगह पे पिक करना है कि ए एंड बी की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो अगर हम मान लो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, अभी मैंने आपको बताया अगर ए की वैल्यू ज़्यादा है बी की वैल्यू से तो क्या होगा, फॉर्मूला गेन में जाएगा, लिखा है मैंने वहाँ पे भी, तो गेन यहाँ पे क्या हो गया, गेन हो गया क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब हो गया 5 का स्क्वायर इंटू 100। इसको हम लोग क्या फॉर्मूला चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस 25 अपॉन में कितना हो जाएगा 25 और इंटू 100, इसको सॉल्व कर लो कितना हो गया यहाँ पे 75 अपॉन में 25 इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व जब करोगे तो आपको कितना आंसर आ जाना चाहिए, यहाँ पे आंसर आपको क्या है 3, तो मतलब कितना हो गया 300%। तो देखो आपको मैं इसलिए ये चीज़ ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूँ और फॉर्मूला, इन केस अगर मान लो पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है, या तो आप अपने मन से, या तो इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, दूसरा क्या ना आप अपने आर्टिकल मतलब आप अपने अनुसार इसको क्या कर सकते हो, फॉर्मूला बेस्ट क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं इसलिए ये चीज़ दोनों केस आपको बता रहा हूँ जिससे आपको जब पेपर में बैठे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो अगर हम मान लो एक फॉर्मूला और देखते हैं यहाँ पे, लेटर सपोज अगर मान लो कोई फॉर्मूला हम यहाँ पे देख रहे हैं, फॉर्मूला नंबर अगर मैं इसी में एक और क्वेश्चन या फॉर्मूला इस जो आप समझ लो एक क्वेश्चन देखना चाहता हूँ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन क्या बोला कि अगर मान लो किसी भी आर्टिकल को या कोई भी मतलब आर्टिकल उसको हमने सोल्ड किया, ठीक है, उसको हम सोल्ड करते हैं, ठीक है ना, सोल्ड करने के बाद कुछ तो कुछ गेन होगा, तो सपोज करो हमको ए परसेंट कुछ गेन हुआ है ना, और अगर हम उसमें ए परसेंट का यहाँ पे मेरे पास गेन हुआ, और अगर हम उसमें उस इफ इट इज सोल्ड फॉर एक्स मोर, मतलब अगर मान लो उसको मैंने 5 रुपये 10 रुपये कोई भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के अगर मैंने उसको सेल किया, सपोज मैंने एक्स मोर पे उसको से फिर से सेल किया, अगर हम सोल्ड करते हैं तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वो मुझे गेन होता है 20%। अगर वहाँ पे बोला जा रहा है फिर अगर मान लो गेन अगर आपसे कोई पूछा जाता तो क्या होता है वो 20%, पहले समझना। तो उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि उस मीन्स आर्टिकल का उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है, पहले आप समझना। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखने से पहले मैं इसका क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मान लो सपोज करो मैंने किसी भी एक बैग को है ना, कोई एक क्वेश्चन में पिक कर रहा हूँ, वेन अगर हमने एक बैग को सोल्ड किया, जब मैंने किसी भी पेन को, मैं पेन पिक कर लेता हूँ, ठीक है, पेन को जब मैंने सोल्ड किया, तो जब मैंने उसको सोल्ड किया तो बोला ये क्या है कि उसमें गेन हमको कितना हो गया, गेन हमको क्या 6%।
पहली चीज। लेकिन फिर हमने क्या क्या सोचा कि अगर मैं मान लो उसको 10 रुपये ज़्यादा, इफ़ वी जस्ट सोल्ड इट एट 10 रुपीज़ मोर, यानी सपोज करो मैंने उसको 10 रुपये में और ज़्यादा, उसको 10 रुपये ज़्यादा और मैं उसको बेचा होता, तो हमको कितना परसेंट का गेन होता? गेन हमको हो जाता 8% का। क्वेश्चन समझ आ गया? एक आर्टिकल को हमने 2 बार बेचा, एक बार क्या किया बेचा तो 6% का गेन हुआ, दूसरी बार जब उसको 10 रुपये ज़्यादा करके मैं उसको बेचता तो क्या होता हमको, वो 8% का गेन होता। अब आपसे पूछा जा रहा है कि चलो भैया आपने बेचने का कार्यक्रम तो खत्म कर लिया, तो आप बता दो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो सकता है। अगर इन केस में अगर ऐसा कोई केस आपके पास आ जाए और आपसे पूछा जाए कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो समझना सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कितना रुपये ज़्यादा बढ़ाए। तो यहाँ पे देखो हम फॉर्मूला भी अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, जितना रुपये हमने बढ़ाया, एक्स मान लो बढ़ाया, मैंने क्या किया फिर बी माइनस ए इंटू 100। अब मैं देखो आप पूछोगे सर ये क्या है, तो ये एक्स जो है ना, ये एक्स डिनोट्स क्या करता है, डिनोट करेगा जितना रुपीज़ मैंने बढ़ाया, रुपीज़ जो मैंने इंक्रीज किया है ना। उसके बाद बी माइनस आपको पता है 3 अपॉन में क्या हो गया 8 माइनस 6 इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 10 इंटू 100 अपॉन में 2, जो भी आए यहाँ पे इसको कैंसिल करो 5, आंसर क्या हो गया, आंसर हमारे पास आ गया कॉस्ट प्राइस कितना होगा इसका 5। तो मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा केस आपको मिल जाए तो आपको क्या ना घबराना नहीं है। इन केस अगर मान लो वही चीज़ यहाँ पे सेम अगर मान लो लॉस के लिए आ जाए तो क्या करते आप, सपोज करो वही आर्टिकल को जब मैंने बेचा तो पहली बार जब मैंने उसको सोल्ड किया, सोल्ड किया तो लॉस हमको कितना खाना पड़ा, लॉस हमको खाना पड़ा 1%, है ना। और अगर मान लो फिर उसी को हम एक्स रुपीज ज़्यादा या एक्स रुपीज मोड़ पे, अगर हम मान लो कि एक्स रुपीज मोड़ पे हम उसको सेंड करते सोल्ड किए, है ना, तो हमको कितना का लॉस गेन हो गया, फिर सॉरी उसके बाद हमको गेन हो गया, गेन कितने का हो गया 5% का। अब आपसे पूछेगा अच्छा ये क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये यूपीएससी 2020 में पूछा गया, तब आपसे पूछा जाए कि अच्छा भैया मैंने कितना लॉस खाया और सॉरी इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखो बहुत ही सिंपल है, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं तो अगर एक कोई भी मतलब कुछ भी, फिर से मैं बैग का एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। लेट अस सपोज एक बैग है, उसको मैंने पहली बार बेचा, जब मैं पहली बार उसको बैग को बेचा तो हमको कितने का लॉस हुआ, मैंने अभी आपको बताया लॉस हुआ हमको 3% का, या कुछ भी आप अपने अनुसार से ले लो। लेकिन जैसे ही मैंने उसको सोल्ड किया, मतलब कितने 120 रुपये 130 रुपये मोड़ पे मैंने उसको सोल्ड किया, तो हमें क्या हो गया गेन हो गया, कितने का गेन हुआ, गेन हमको हो गया 5% का। तो आपसे पूछा क्या जा सकता है कि आपसे पूछा यहाँ पे ये जा रहा है कि जो गेन आपको लॉस भी था यहाँ पे गेन भी था, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा उस आर्टिकल का। सबसे सिंपल आपसे कॉस्ट प्राइस यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, तो जब कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, जितना आपको मतलब जितना पैसा इंक्रीज किए वो अपॉन में बी प्लस है, जब लॉस की बात है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, अगर गेन की बात है यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे, बस यही डिफरेंस है। आंसर क्या 120 अपॉन में 3 प्लस 5 इंटू 100। अब आप सोच के देखो कितना हो गया, इसको सॉल्व कर लोगे कितना होगा 120 अपॉन में 8 इंटू 100। तो अब इसको सॉल्व करके देखो, इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 1 एंड 5, आंसर क्या हो गया हमारे पास 1500। तो देखो मैंने ये इसलिए आपको समझाया कि ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, ये कुछ मैं कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था किसके प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग, जो आपको क्या ना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए बाद में कि सर ये चीज़ आपने क्या बताया नहीं बताया, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब हम लोग क्या ना थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग थोड़ा सा डिस्काउंट के रिगार्डिंग अभी यहाँ पे कुछ कुछ सॉल्व करेंगे। तो देखो अब हम थोड़ा सा क्या ना पहले डिस्काउंट को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो अभी हम लोग क्या ना थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, अभी कुछ यूपीएससी या स्टेट पीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया मैं एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन बोला गया था कि एक फॉर्चुनर है, ठीक है, एक फॉर्चुनर का दुकान है, मतलब एक फॉर्चुनर जो सेलर है उसने क्या किया, एक सेल किया, ठीक है, 2 टेबल को उसने सेल किया। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा समरी कर दूँ क्या, 2 टेबल को उसने क्या कर दिया सेल किया, ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक सॉल्व भी करवाया हुआ है याद। तो हर एक का दाम एट इच रुपीज़ 1500 इच, 1500 इच, ये याद रख लेना, ठीक है।
तो दो टेबल को जब वो फॉर्चुनर वाला जो मतलब फर्नीचर वाला है कर लो, सॉरी नॉट फॉर्चुनर, दिस इज गॉट फर्नीचर वाला जो जिन्होंने सेल किया, तो उसमें हर एक का मतलब कॉस्ट उन्होंने बता दिया कि दो टेबल हर एक का कॉस्ट दिया 1500 रुपीज़, ठीक है। उसने क्या किया, जब उसने सेल किया तो ये बोला जा रहा है कि पहले पे मतलब एक टेबल पे उसने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट जो अगर कमाया वो प्रॉफिट कितना कमाया, वो कमाया 20 रुपीज़ ऑन वन टेबल, है ना। फिर जब उसने मतलब क्या, जब दूसरा टेबल उसने बेचा तो उसने क्या कर दिया, लॉस कमा लिया, ठीक है। तो अब दूसरा टेबल जब उसने भेजा तो क्या बेचा, तो उसने क्या कर दिया, लॉस कमा लिया, कितना का, 20% ऑन एनदर टेबल लॉस, ठीक है। अब ये याद रख लो, अगर किसी को ये याद होगा जब मैंने ये फॉर्मूला आपको समझाया था तो उस समय अगर आपको याद होगा तो आप तुरंत इसके आंसर दे दोगे, अदरवाइज तो मैं तो बताऊंगा ही। तो 20 ऑन एनदर टेबल, है ना, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। और फिर आपसे पूछा सीधा सीधा इस पर मतलब पूछा आपसे ये चला गया था कि ओवरऑल इसका आपको क्या करना है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बस आपको इतना बताना है। अगर आपको ये पता चल गया तो कोई बात ही नहीं, नहीं पता चला तो हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का। तो देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन है तो मैंने आपको समझाया हुआ था, क्या समझाया हुआ था, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें अगर मैं बोल देता हूँ जैसे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो हम अगर ओवरऑल की बात करते हैं तो सीधी सी बात, हम जब क्वेश्चन मैंने आपको समझाया तो उसमें ये बताया था कि क्या है ना, ओवरऑल इसमें लॉस का ही बात किया जाएगा, लॉस परसेंटेज अगर यहाँ पे हम बात करें तो फॉर्मूला क्या बताया था, ए स्क्वायर अपॉन में 100, याद हो अगर किसी को। ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये कितना परसेंट लॉस और कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 1500 का कोई बात अभी नहीं हो रहा है। तो ए हम लिख दिया 20 का स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया 100, तो अगर हम इसको कर दे सॉल्व तो कितना हो गया 400 अपॉन में 100, कैंसिल कैंसिल, आंसर क्या हो गया 4%। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो लॉ जो उस ऐसा क्वेश्चन, अगर ये यूपीएससी के रिगार्डिंग ही कोई में जब पहली बार पूछा गया तो उसके रिगार्डिंग क्या किसी स्टेट पीएस में, छत्तीसगढ़ या बिहार के स्टेट पीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो बोला क्या गया कि फोर, मतलब सीधी सी बात यहाँ पे बोला गया कि ए स्क्वायर बाय 100 मतलब क्या हो गया, लॉस आपको कितना हो गया यहाँ पे 20, मतलब 4% का यहाँ पे लॉस हो गया। सेम अगर मान लो कोई और क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए अगर हम चाहते, जैसे मान लो कि लेटर सपोज मैं अनदर एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताता हूँ, तो देखो जैसे कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे पिक करवाता हूँ, जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया, इसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि एक इंसान है, एक बहुत ही ज़्यादा होनहार इंसान था, उसने क्या किया, सोल्ड किया, क्या किया, दो बुक को उसने सोल्ड किया, टू बुक्स वो क्या कर दिया, सोल्ड किया। जब वो दो बुक सोल्ड किया तो उसमें ये बोला गया कि फिर वही दाम कितना, हर एक का दाम कितना था 24 ईच, ये मान के चलो, ये अभी दाम को यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं रखना, पहले समझना क्वेश्चन को। फिर बोला गया कि एक पे उसने क्या कर दिया, 20% का प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कितना कमाया 20%। दूसरे पे जब उसने दूसरे को बेचा तो उसने लॉस कितना कमाया, दूसरे पे जब बेचा तो दूसरे का लॉस कितना होगा 20%। फिर आपसे ये पूछा जा रहा है ओवरऑल आपको होल परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये आपको बताना है। तो देखो इसमें कौन ने बता देगा, अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, जब पहला उसने बेचा, आपको अगर ओवरऑल लॉस या ओवरऑल पूछा जा रहा है तो आपको तो एक फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर वो फार्मूला के अनुसार अगर आप चलते हो तो आपको क्या लग रहा है, आंसर आ सकता है, सोच के देखो अगर आंसर आ सकता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ओवरऑल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लॉस या ओवरऑल, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या आपको बताया हुआ था, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि जो पूछा ये जा रहा है कि जो कितना नेट प्रॉफिट और लॉस हुआ उनके डीलिंग पे, तो यहाँ पे आपसे पूछा रहा है होल, आपसे पूछा ऑन द होल, मतलब वहाँ पे एक पे मतलब जब वो टेबल बेचा गया था तो उसकी यहाँ पे बात की जा रही थी, ठीक है ना। यहाँ पे एक पे बात किया जाता है, एक टेबल और एक, यहाँ पे आपको क्या दोनों मिला के, मतलब ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोला, ऑन होल दोनों बुक्स का और दोनों पे, जैसे एक पे लॉस किया तो एक पे प्रॉफिट भी तो किया है ना, तो आपको पूछा रहा जो ओवरऑल, मतलब इसका पूरा मैं आपको बताना कि ये लॉस खाया या प्रॉफिट खाया। तो जब हम आपको बताए थे, जब ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको मैंने कितने सिंपल वे में आपको समझाना बताया था कि अगर मान लो एसपी दिया हुआ है, लेटर सपोज हमारे पास एसपी के दो बुक में, अगर मान लो एसपी हमको दिया हुआ कितना, एसपी अगर हमको पहले बुक का फर्स्ट बुक का हम पिक करते हैं तो कितना 24 रुपीज़ दिया हुआ, उस पर उसने बोला क्या था, गेन खाया, कितने का गेन खाया 20 रुपीज़ का। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर मैं मान लो 20 रुपीज़, तो यहाँ पे आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, अगर पूछा जाए कि कॉस्ट प्राइस कितना हुआ पहले बुक का, तो कोई भी बता देगा कि अगर मान लो कॉस्ट प्राइस पूछा जाए तो कितना होगा, अगर यहाँ पे 24 दिया हुआ 20% का खाया तो कितना हो गया, अगर मैं मान लो 100 रुपीज़ मान के चलता हूँ तो कितना होगा 120, 20% खाया ना, और कितने पे है, तो ये हो गया तुमको 24, या सीधी सी बात है 24 into 1.2 1.20 ऐसा करके
अच्छा सॉरी, गेन खाया ना, लॉस तो नहीं खाया, तो माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा 24, ये भी कर सकते हो 24 × 0.8। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ जाएगा वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछा गया, सपोज किया, तो मैंने कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकाला, तो कितना हो गया, ये कैंसिल, ये हो गया 2, मतलब 20 रुपीज़ हमारे को पहले पता चल गया। पहले वाले पे हमको 20 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे, सेकेंड वाले पे जब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो वो भी आप निकाल सकते हो। सो सेकेंड वाले का अगर मैं कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकालूँ, सपोज यहीं पर दे देता हूँ, सेकेंड वाले का मैंने कॉस्ट प्राइस निकाला, तो वही एक बस इसमें क्या है लॉस था, लॉस था तो 20% माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया 100/80 × 24, यही है ना। तो अब देख लो कितना हो गया, ये हो गया 3, मतलब कितना हो गया 30 रुपीज, इसका कितना हो गया ₹30। तो ये रुपीज कितना हो गया यहाँ पे, 30 रुपीज यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आपको पहले का पता चल गया कॉस्ट प्राइस, दूसरे का सेलिंग प्राइस पता चल गया। अब आपको कोई पूछा जाए तो आपको टोटल तो पहले पता होना चाहिए, तो टोटल कितना है मेरे पास में, अभी मैंने बताया था टोटल हमारे पास कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हम पहले निकाले तो कितना हो गया, पहले का हो गया तुमको 20, दूसरे का हो गया 30, ये कितना हो गया 50। और सेलिंग प्राइस अगर हम निकाल लेते तो पहले का तुमको दोनों का ही वही मान लो ना 24 × 2, मतलब कितना होगा 48। अब इसका अगर अपने पास सीपी ज़्यादा तो गेन हमारे पास कितना हो गया, सॉरी सीपी ज़्यादा और एसपी कम है, तो सॉरी यहाँ पे क्या होगा लॉस, लॉस कितना हो गया 2 रुपये का, है ना, माइनस कर दोगे तो कितना हो गया लॉस 2 रुपये का होगा। अब लॉस परसेंटेज आप निकाल दो तो 2/1 में, तो आपको अगर पूछ ले लॉस, अगर आपको पता चल ही गया, ओवरऑल सिर्फ लॉस ही पूछ रहा था या परसेंटेज पूछ रहा था, एक मिनट में क्वेश्चन देख लूँ, बस आपको ओवरऑल लॉस ही पूछ रहा था, तो कितना रुपये का लॉस हो गया हमारे पास, 2 रुपये का लॉस हो गया। ये क्वेश्चन आपको समझ आया, इसमें ओवरऑल पूछा था इसलिए मैंने ऐसे किया। उसमें क्या किया था, आपको सीधा बोल दिया गया था कि आपको क्वेश्चन दे दिया और आपको बोल दिया कि नेट प्रॉफिट और लॉस आपको डील करना है, यहाँ पे लॉस एंड प्रॉफिट डील नहीं करना था, यहाँ पे बस कितना ओवरऑल उसको लॉस हुआ ये देखना था, यहाँ पे परसेंटेज के बारे में उसने कोई बात नहीं किया था। आई थिंक यहाँ पे तक कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए, अगर कुछ भी इशू हो तो आप क्या कर सकते हो मुझे बता सकते हो। चलो मैं एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ इसी में, मेरा काम नहीं कर रहा है या इसका पॉइंटर खराब हो गया, पता नहीं, देखते हैं अभी क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लें। जैसे मान लो बोला गया कि एक मैन है, ए मैन क्या करता है, सेल करता है 16 मैंगो वो सेल करता है, ठीक है। जब उसने 16 मैंगो सेल किया तो एट ए कॉस्ट ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए कॉस्ट ऑफ कितने पे, अगर आपसे पूछा जाए कॉस्ट ऑफ 20 मैंगो, देखो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं बार बार ऐसा क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। 16 मैंगो उसने बेचा, मतलब एसपी ऑफ 16 मैंगो इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 मैंगो, सीधा आपसे पूछ दी बोल दिया जाएगा कि नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस आप बताओ। अगर आपको ये पता है तो आप तुरंत बता दोगे, नहीं तो सोचोगे क्या बताएं क्या बताएं नहीं बताएं। चलो आपसे बोला जाए तो आपको ये पता चल गया, अगर कॉस्ट प्राइस बोला जा रहा है कितने 20 मैंगो का, अगर हम मान के चलते कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 मैंगो हम मान के चलते ₹x, कुछ भी मान लेते हैं ₹x 1 रुपीज़ या कुछ भी मान लेते हैं, तो अगर कॉस्ट प्राइस है तो एक कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 मैंगो का इतना, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक मैंगो का कितना होगा x/20। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कुछ इशू है तो बताओ, नहीं ना। अगर यही हम एसपी भी निकाल ले, अगर एक मैंगो का एसपी ऑफ 1 मैंगो कितना हो गया x/16, दोनों का एक एक मैंगो का मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से हमको क्या देखेंगे, गेन निकलेगा, क्यों, क्योंकि देखो गेन इसलिए निकलेगा कि एसपी ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है, तो कितना हो गया x/16 − x/20, यही होगा ना। तो अब गेन कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 320 ले लेते हैं ना, तो यहाँ पे कितना हो गया 20 − 16, यही होगा ना। देखो पूरा देख के देखो, कोई इशू हो तो मुझे बता सकते हो, यहाँ पे 18 16 32 20x, यहाँ पे कितना हो गया 18 not 18 x, आई थिंक ये सही है, तो x यहाँ पे लगाना भूल गया, सॉरी मैम, तो कितना हो गया 4x/320। आंसर अगर यहाँ पे ली भी लिख सकते x/80। आपसे आंसर क्या पूछा गया था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये समझना। मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा था कि परसेंटेज कितना गेन होगा, आपने क्या किया, गेन तो निकाल लिया। अगर आपको पता होता तो आप क्या करते, गेन अगर सिर्फ पूछता तो इतना होता, गेन परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है, तो गेन परसेंटेज क्या होगा, जितना गेन आया और अपॉन में कितना गेन आया था ये लिख दिया, अपॉन में कॉस्ट प्राइस ये आपको पता ही है, इनटू 100,
देखो एक्स से एक्स से तो पहले ही कैंसिल कर दो, तो ऊपर डाल दो 20, नीचे डाल दो 80 इंटू 100। अब चेक करो, ये कुछ तो हुआ है मेरे माउस में, ये हो गया तुमको 25। आंसर क्या होगा गेन का 25%। तो देखो यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, अब नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम, अब तो क्वेश्चन आपको धराधर बनना चाहिए। हाँ सर ये तुरंत क्वेश्चन बन गया, ऐसा क्वेश्चन और दो। तो देखो यहाँ तक मैंने आपको एक पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको बताया क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अब एक लास्ट इसमें टॉपिक आपका बच रहा है, वो भी मैं बता ही देता हूँ, फिर जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। वो बहुत ही बेसिक है, आप लोग पढ़े भी होंगे, जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आई थिंक मैं क्या बताऊँगा, आप लोग खुद ही मुझे बता दोगे, जरूरत पड़ना नहीं चाहिए। पर चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समरी बता देता हूँ। देखो समरी किस चीज़ का मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, समरी बता रहा हूँ डिस्काउंट के रिगार्डिंग, है ना। मैंने आपको बताया देखो डिस्काउंट आपने देखा होगा जब आप कहीं भी जाते हो, व्हाट डू मीन बाय डिस्काउंट, अगर आपसे कोई पूछे तो डिस्काउंट आपने देखा होगा ना, क्या बोलता है कि ये एक प्रोडक्ट है। सपोज एक प्रोडक्ट आप मॉल में गए तो प्रोडक्ट के ऊपर आपने एक बैनर स्टिकर लगा देता है, क्या लिखा था, 50% प्लस 50%, समझ रहे हो। जब आप स्टिकर पे स्टिकर देखते हो या कोई भी चीज़ देखते हो तो वहाँ पे ऐसे लिखा रहता है ना, तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि वो प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल जाएगा, आप ऐसा कह सकते हो नहीं ना। आप क्या देखते हो, अगर उस प्रोडक्ट का कॉस्ट 20 रुपये है तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है उस 20 रुपये का पहले 50% मतलब 10 रुपया, और उस 10 रुपये का 50% मतलब 5 रुपया। अब लेकिन उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो गया, 5 रुपये। मैं एक लोकल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, है ना। इसका ये मतलब हो गया कि जो भी एक प्रोडक्ट है, कोई भी एक आर्टिकल है, जिसके मार्केट प्राइस पे भी हम रिड्यूस करते हैं, मार्केट प्राइस को भी हम मतलब एक तरीके से एक बोल सकते हैं, मार्केट प्राइस पे भी हम कुछ ना कुछ डिस्काउंट रिडक्शन अलाउ करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्काउंट। ठीक है, मतलब मार्केट प्राइस जो भी है उस पर भी हम कुछ ना कुछ रिडक्शन दे रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्काउंट, है ना। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये समझ आ जाना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि चलो ठीक है सेलिंग प्राइस अगर इसमें हम बोलते हैं, तो सेलिंग प्राइस का क्या मतलब है, कितने पे बेचेंगे, और डिस्काउंट को भी तो डिस्काउंट होने के बाद भी तो बिकेगा ना, तो कितना होगा मार्केट प्राइस जो भी है, और उसमें से हमने क्या करते हैं, जितना हमने डिस्काउंट दिया तो वो क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट का मतलब अब सीधा सा हो गया क्या, मार्केट प्राइस मतलब माइनस सेलिंग। अगर आपसे ये पता चल गया तो अगर आपसे कोई पूछे डिस्काउंट कितना दिया, तो हम क्या करेंगे, जो मार्केट प्राइस था, मान लो मेरे पास एक जींस था, उसका मार्केट प्राइस देखा मैंने, MRP लिखा हुआ 100 1000 रुपीज़, और जब मैंने उसको ख़रीदा तो उसने मुझे दे दिया 800 में, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा 800 का। तो मान लो कि अगर सेलिंग प्राइस, तो अगर आपसे कोई पूछे भैया आपको कितना का डिस्काउंट मिला, तो आप क्या करोगे, मार्केट प्राइस था तो आप बोलोगे मुझे 200 रुपये का वहाँ पर डिस्काउंट मिला, यही बोलोगे ना। 200 रुपये का जब आप डिस्काउंट बोलोगे, तो अगर आपसे पूछा जाए अच्छा चलो ठीक है 200 का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो अब आप उसको परसेंटेज में बोल दो या कुछ भी ऐसा, तो वो आप क्या कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो, जो भी डिस्काउंटेड आपको मिला उसको निकाल सकते हो। बट आपको मेन मोटिव आपको क्या ना, ये समझना चाहिए कि कैसे ये चीज़ हम लोग व्हाट डू मीन बाय डिस्काउंट, और कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर आपको कोई आर्टिकल दिया हो, कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें अगर एक चीज़ दिया हो, अभी मैंने सिर्फ डिस्काउंट के बारे में थोड़ा समझाया है, इसमें अभी एक दो और बेसिक है जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने का, कोशिश भी कि आप समझ जाओगे बहुत ही बेटर तरीके से। लेटेस्ट सपोज हम ये चीज़ बोलते हैं, अगर मान लो कोई भी मार्केट प्राइस किसी भी आर्टिकल का, या ये मैं रेंडमली बता रहा हूँ, इसको मैं फिर मैं फॉर्मूला के बेस में आपको बताऊँ। मान लो एक आर्टिकल है, उसका मतलब MRP या बोल दो या मार्केटिंग प्राइस उस आर्टिकल का हम मान लेते हैं कुछ भी P मान लो या X मान लो या Y मान लो, इतना रुपीज था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उस पर एक बार पहली बार डिस्काउंट मिला R% R1 मान लो, पहली बार उसको डिस्काउंट मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जब उसके बाद क्या होगा, जब प्राइस रिड्यूस हो गया, मान लो जैसे उसको कुछ डिस्काउंट मिला, तो आपको अभी मैंने आपको बताया कि प्राइस क्या होगा, रिड्यूस हुआ। जब वो प्राइस रिड्यूस हुआ, तो उस प्राइस के रिड्यूसिंग पे भी फर्दर उसको डिस्काउंट कितना मिला, उसको मिला R2। जब प्राइस, जैसे अगर मान लो मैंने अभी बताया ना कि 20 रुपये का मैंने कोई प्रोडक्ट लिया था, 20 रुपये का प्रोडक्ट लिया, पहली बार हमको डिस्काउंट मिला तो वो कितना हो गया, 10 रुपीज। और उसके बाद भी मुझे 50% मान लो डिस्काउंट मिला 50% का, मैंने ऊपर जैसे एग्जांपल दिया, तो ये क्या हो गया, 5 रुपीज। मतलब वही चीज़ बोला कि पहला डिस्काउंट उसको मिला, फिर रिड्यूसिंग प्राइस पे भी उसको डिस्काउंट मिला R2। ठीक है, तब आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो जो सेलिंग प्राइस, जैसे अगर आपसे पूछा जाए तो कितना का उसको मतलब नेट डिस्काउंट उसको परसेंटेज में मिला, पहली चीज़। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि उसको नेट परसेंटेज में कितना का डिस्काउंट मिला, तो पहला आप ये चीज़ बताओगे।
दूसरी चीज इसको क्या कहते हैं, तो जब ऐसे कंटिन्यूसली डिस्काउंट मिलता तो इसको हम लोग कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, क्या बोलते हैं सक्सेसिव आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कुछ इशू लगे कि सर सक्सेसिव डिस्काउंट या नॉर्मल डिस्काउंट क्या होता है, तो ये चीज़ आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, जब उस प्रोडक्ट का टोटल डिस्काउंट वगैरह हो गया तो उसको सेल करना पड़ेगा, तो आप बता सकते हो कि उस प्रोडक्ट या आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखो, अगर हम सपोज करते सेलिंग प्राइस अगर हमसे कोई पूछा जा रहा है कि क्या होगा आफ्टर कब, आफ्टर R1 एंड R2, R1% एंड R2%, जब ये डिस्काउंट दे दिया उसके बाद की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ठीक है मैं थोड़ा आगे बता दूँ। तो देखो, जब ऐसा कुछ हो तो सबसे बेटर तरीका है, हमने क्या बोला, 1-R2 लिखते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे, जितना का परसेंटेज डिस्काउंट मिला, मान लो कि 100 रुपये, 100 मान लिया मैंने, यहाँ पे मैंने मान सपोज करके चल रहा हूँ, ठीक है, ये पहला डिस्काउंट हो गया, किस पे मिला था, R2 पे, ये याद रख लेना, है ना, R1 पे, तो हमने किस पे लिया, R1 पे, और ये किसका है, परसेंटेज, जो टोटल प्रोडक्ट का पहले का प्राइस था अभी मैंने बताया था। अब देखो, यही चीज हो गया, 100-R2/100, 100-R1/100 P1, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब अगर आपसे अब पूछा जाए कि ठीक है ये चीज़ आपने बता दिया कि सर सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल का ये हो गया, नेट डिस्काउंट इसको कितना मिला ये बता सकते हैं, तो नेट डिस्काउंट कितना हो गया, अगर नेट डिस्काउंट हो गया R1+R2-R1/R2/100, ये टोटल हमारे पास क्या हो गया, परसेंटेज, ये नेट डिस्काउंट परसेंटेज आपको मिला। ये फॉर्मूला याद रख लो, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उसमें आपको ये पता चलेगा। जैसे कि अभी अगर मैं मान लो कि एक रिटेल शॉप पे गए, ठीक है, मान लो हम अभी एक क्वेश्चन, अगर यहाँ इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपको मैं समझा रहा हूँ, एक मैं ये रिटेल शॉप पे गया, यहाँ पे मेरा घर था, मैं एक ये रिटेल शॉप था यहाँ पे गया, जब रिटेल शॉप पे गया तो मैं एक प्रोडक्ट का देखा, शॉप पे एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट लिखा हुआ था, क्या लिखा था, पहला डिस्काउंट वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि 25% डिस्काउंट ऑन एवरी आर्टिकल जो परचेज करोगे, ठीक है। लेटर फिर उसने मतलब पहले पहला तो उसने ये दे दिया, लेटर उसने एक और अनाउंस कर दिया, क्या कर दिया कि लेटर एडिशनली डिस्काउंट आपको कितना मिलेगा, 35% ऑन एवरी आर्टिकल जो भी आप परचेज करोगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ठीक है भैया आपने ये बता दिया, तो आपसे बोला जा रहा है कि टोटल डिस्काउंट कितना उसको मिला, तो नेट डिस्काउंट उसको कितना मिला, अभी मैं आपको फॉर्मूला बताया था क्या, तो मान लो लिख दिया मैंने 35 + 25 - 35 × 25/100। अब इसको जब फॉर्मूला आप निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना नेट डिस्काउंट मिला, तो ये हो गया 60 - 35/4, ये हो गया 240 - 35/4, तो 240 मतलब 205 मान लो अपॉन में 4, 205 मतलब कितना हो गया, 51.25 मान के चलो, 51.25, तो टोटल जो डिस्काउंट उसको मिला 51.25 उसको टोटल डिस्काउंट मिला, है ना, तो ये चीज़ आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। नाउ कम टू, तो इसी के रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, और एक इसमें एक छोटा सा और आपको मैं एक यहाँ पे बस आर्टिकल आर्टिकल भी नहीं, एक टॉपिक और है, बहुत स्मॉल सा टॉपिक है, इसके बाद ये डिस्काउंट का मैं पूरा एक समर अप कर दिया हूँ यहाँ पे, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट यहाँ पे आपको कंप्लीट होता है। फिर अब जब आगे जो लेक्चर अपना चलेगा उसमें सिर्फ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के रिगार्डिंग जो UPSC के एज वेल जो क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर होते हैं वो सॉल्व होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसमें एक बोला जा क्या जा रहा है, एक टॉपिक है यूजिंग, जिसको बोला जाता है फॉल्स वेट, है ना, यूजिंग फॉल्स वेट बोल दो, अगर मान लो किसमें, अगर हम इन प्लेस ऑफ एक्चुअल वेट, इन प्लेस ऑफ एक्चुअल वेट, है ना, इसका भी क्वेश्चन UPSC में आता है, इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, वरना मुझे कोई वो नहीं था बताने का। इसका मतलब क्या कि अगर मान लो यहाँ पे, मान लो कि कोई भी इंसान है, यहाँ पे ये मतलब है कि एक हम जैसे शॉपकीपर के पास गए हैं, वो डीलर है, मतलब चावल दाल ये सब देता है, तो वो इतना मतलब वो चोर है, तो चोर उसने क्या किया कि एक मतलब डीलर उसने क्या किया, तो अपने गुड का जो कॉस्ट बेचा, मतलब जो मतलब हिज गुड ऑफ जो भी कॉस्ट प्राइस था, तो वो जो वेट है ना, अगर मान लो उसमें ये पूछा जाए, तो उसने क्या किया, उसने वेट यूज किया 930 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg, है ना, 930 ग्राम फॉर अ 1 kg, 1 kg के बिहाफ पे वो सिर्फ 930 ग्राम ही यूज किया करता था। जैसे अगर आपने नायक मूवी देखा होगा तो
उसमें देखा था ना कि इधर से घुमाओ या उधर से घुमाओ, बोलता है ना वर्ल्ड कप ही लगता है, तो यहाँ पे वही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है। तो 930 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg जब ये यूज करता है, इसका मतलब क्या होगा, 930 ग्राम फॉल्स वेट हुआ, एक्चुअल वेट कितना, 1 kg हुआ। तो इस केस में अगर आपसे कोई पूछा जाए कि अच्छा ये बता दो, आपने ये तो बता दिया, तो बोला जाएगा कि उसका गेन परसेंटेज या लॉस के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे। जैसे सपोज करो कि मैंने एक क्वेश्चन आपको अभी यहाँ पे दिया, तो अगर कोई भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे कि गेन परसेंटेज, तो देखो जैसे 1000 माइनस जो भी है x अपॉन में x इंटू 100, ये आपका क्या है ना टोटल परसेंटेज हो गया। अगर आप बोलोगे सर ये x क्या हो गया, तो x हो गया जो फॉल्स वेट था, मैंने क्या कर दिया 1000 माइनस फॉल्स वेट कितना, 930 अपॉन में 930 इंटू 100, ये हो गया 70 × 100 अपॉन में 930। अब आप कैंसिल कर दो, जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी उसको हो रहा है, होगा तो प्रॉफिट ही होगा ना, क्योंकि वो एकदम फॉल्स काम कर रहा है यहाँ पे। तो इस ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप क्वेश्चन देखो, ये यूपीएससी 2021 में इसके रिगार्डिंग 2-3 क्वेश्चन पूछा गया। अभी मैं अगली बार जब लेक्चर में जब क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के रिगार्डिंग आपको सॉल्व करवाऊंगा और अच्छे से, लगभग 10-20 क्वेश्चन, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा जो यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी में पूछा गया, तो आपका ये पूरा कंसेप्ट क्या होगा यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ देखो अपना ये जो लेक्चर है यहाँ पे, अपना ये जो लेक्चर है वो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट हो रहा है इसका। ये मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी ये कंप्लीट इसलिए हो रहा है कि मैंने इसमें आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया किसके रिगार्डिंग, मैंने आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के रिगार्डिंग पूरा क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिया जो बेसिक था। अभी नेक्स्ट जब लेक्चर 6 आएगा, तो उसमें मैं आपको और फुल ऑन एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक चीज़ कंप्लीट करवाऊंगा। इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे यूपीएससी से रिगार्ड प्रीवियस ईयर का सीसेट का क्वेश्चन रहेगा, स्टेट पीएससी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहेगा ना, उसके बाद जो भी मतलब प्रैक्टिस पेपर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहेगा, जिससे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको विद इन 30-40 सेकंड में आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर आपको क्या ना कंटिन्यू करके रखना, ये नहीं कि हाँ ठीक है छोड़ देते हैं, अब थोड़ा सा पढ़ लिया बस, ये नहीं। आपको पूरा समझ नहीं आया तो आप बार बार पूछो, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लास्ट तक बने हो तो आपको ये चीज़ समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल में बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर कोई भी इशू हो तो क्या करो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर आपको नहीं लगे तो आप क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो, मैं उस चीज़ को कोशिश करूँगा कि आपको वो सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, यहाँ तक मैं ऐसा करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हो। इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर 5 कंप्लीट करता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम लोग आगे का जो प्रोसीजर है, इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रोसीजर नहीं, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है वो वहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी के साथ अपना ये लेक्चर कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत।